अप्रैल 1987 ईस्वी में क्या हुआ था, इनका निधन हुआ था। और आगे हम आपको बताएं, जन्म थी जो लेखक के दूर के रिश्ते की बहन है, जो लेखक के दूर के रिश्ते की बहन है। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये बहन वाला रिश्ता नहीं रखती है, सखी वाला रिश्ता रखते हैं। ठीक है, कौन लेखक, यहाँ पे समझिए कि ये मालती है और ये अज्ञा जी है, दोनों साथ में खेल रहे हैं। ठीक है, तो बचपन में ये लोग साथ ही खेले, प्रशांत पढ़े। मालती के पति का नाम है महेश्वर, और महेश्वर किस पेशा से जुड़े हुए लोग हैं, मतलब कौन सा कार्य महेश्वर करें, तो महेश्वर का कार्य है ये रुकोगे अंग्रेजी करेंगे। उनका जो बेटा है पुत्र है दुर्बल विवाह, पुत्र वहाँ का ही रहता है, उसे कर्तव्य पालन और औपचारिकता निर्वाह करना पड़ता है। ऐसा लगता है ये करेंगे, रुकोगे ऐसा करेंगे, ऐसा लगता है। हेलो माय डियर स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप लोग, आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और आप सभी स्टूडेंट का स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल योद्धा एकेडमी पे। आप सभी स्टूडेंट आज क्या पढ़ने वाले हैं, तो हिंदी का आप लोगों का जो है पांचवा चैप्टर रोज, कौन सा चैप्टर है, रोज चैप्टर है, ये आप पढ़ने वाले हैं। तो आज हम लोग शुरुआत करेंगे रोज कहानी, और ये आपके बुक में कहानी है, और इस कहानी के लेखक कौन है, सचिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी, शॉर्ट में इसको हम लोग अज्ञेय जी अज्ञेय बोलते हैं। ठीक है, इस लेखक के बारे में हम लोग पहले देखेंगे। तो इस टॉपिक में आप लोग क्या पढ़ने वाले, मैं आपको पहले क्लियर कर दूं, आप में से जो भी स्टूडेंट, जो हमारे पुराने स्टूडेंट हैं, जो और भी इस वीडियो सीरीज को देखें, वन शॉर्ट सीरीज को, उनको मालूम है। और मैं आप सभी नए व्यूवर्स जो भी हमारे नए स्टूडेंट हैं इस चैनल पर, मैं उसको बता दूं कि आप लोगों को जो है यहाँ पर मिलने वाला है एक ही वीडियो में इस चैप्टर से रिलेटेड सभी चीज़ें। हम लोग शुरू करेंगे सबसे पहले लेखक परिचय के बारे में, फिर हम लोग देखेंगे यहाँ पे कहानी में क्या है, कहानी से रिलेटेड क्या आप सब्जेक्टिव प्रश्न आते हैं और क्या ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, एक ही वीडियो में ये सारा कुछ आपका क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। तो आप लोग शुरू से लास्ट तक यानी अंतिम तक आप लोग जरूर देखिएगा, यहाँ से आपका ये चैप्टर पूरा क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, और आपको सभी चीज़ें एकदम बेहतर रूप से समझ में आएगी। तो चलते हैं अब आप लोगों का जो चैप्टर है यहां से। ठीक है, चैप्टर का नाम है क्या, रोज। और रोज क्या है, आपके बुक में पांचवा जो चैप्टर है हिंदी के दिगंत भाग दो में, रोज चैप्टर जो है इसमें आप लोग देखिएगा आज क्वेश्चन आंसर के बारे में। ठीक है, नहीं क्वेश्चन आंसर ने पूरा प्रॉपर आप वीडियो देखिएगा, इसमें सारे कुछ आपको मिल जाएंगे। सिर्फ क्वेश्चन आंसर ही नहीं, पहले लेखक परिचय के बारे में देख लेंगे, फिर हम लोग देखेंगे पाठ में क्या है इससे रिलेटेड, फिर सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव प्रश्न। शुरुआत करते हैं रोज कहानी के, देखोगे लेखक कौन है, तो सचिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। ठीक है, और आगे बताएं तो इनका जन्म की बात करें, 7 मार्च 1911 ईस्वी को अज्ञेय जी का क्या हुआ था, जन्म हुआ था। और आगे हम आपको बता रहे हैं, निधन की बात करें, 4 अप्रैल 1987 ईस्वी में क्या हुआ था, इनका निधन हुआ था। और आगे हम आपको बताएं, जन्मस्थान यदि बात करें, क्या जन्मस्थान, तो जन्मस्थान इनका कहाँ है, कसैया कुशीनगर उत्तर प्रदेश, कहाँ, कसैया कुशीनगर उत्तर प्रदेश। और आगे आप लोग देखिएगा मूल निवास स्थान इनका, देखोगे कहाँ है, करतारपुर पंजाब। अब यहाँ पर देखोगे इनके माताजी का नाम है वैंती देवी और पिता हैं डॉक्टर हीरानंद शास्त्री। आपके एग्जाम में यदि ये पॉइंट भी पूछा जाए तो आपको याद रखना है, इन सब लेखक परिचय से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, इसीलिए आपको लेखक के बारे में जानना बहुत ही जरूरी है। तो पिताजी हीरानंद शास्त्री और माताजी कौन, वैंती देवी। इनके पिताजी कौन थे, पुरातत्ववेत्ता थे। आपको हम हिस्ट्री जब पढ़ाए थे ना, तो उसमें हम आपको बताए थे पुरातत्ववेत्ता। ठीक है, और आप सभी स्टूडेंट जो इस वीडियो को देख रहे हैं, जो आर्ट्स वाले वीडियो होंगे, मतलब आर्ट्स वाले जो स्टूडेंट होंगे, तो उनको पता है कि हम आपको कहाँ योद्धा एकेडमी आर्ट्स वाले चैनल पे पढ़ाते हैं। तो आप लोग को हम यहाँ ये बताए थे क्या, पुरातत्ववेत्ता के बारे में, कि पुरातत्ववेत्ता हम किसको बोलते हैं। ठीक है, आपको ये चीज़ जानने के लिए आप जाइए हिस्ट्री का जो पहला वीडियो होगा, उसी में हम ये चीज़ें आपको क्लियर कर दिए थे, पुरातत्ववेत्ता किसे कहा जाता है। तो चलिए अब आपको आगे देखना है, यहाँ पे इन चीज़ों को आप देखिएगा आगे। शिक्षा देखोगे, प्रारंभिक चार साल ये लखनऊ में घर पर ही इनका शिक्षा हुआ था। मैट्रिक ये किए थे 1925 में, कहाँ से देखोगे, पंजाब विश्वविद्यालय से। इंटर ये किए थे 1927 में मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से, और बीएससी ये कहाँ से किए थे, 1929 ईस्वी में फॉरमन कॉलेज लाहौर पंजाब, वर्तमान में ये जगह कहाँ है, पाकिस्तान में। आगे देखोगे क्या हुआ था, क्रांतिकारी आंदोलन में गिरफ्तार हो जाने से आगे की पढ़ाई इनका क्या हो जाता है, रुक जाता है, किनका, अज्ञेय जी का। आगे की बात करें, देखिए इनके बारे में भाषा, ये कई सारे भाषा का ज्ञान इनको था, भाषा ज्ञान में संस्कृत जानते थे, अंग्रेजी हिंदी के अतिरिक्त फारसी तमिल आदि अनेक भाषाओं का ज्ञान था इन्हें। ठीक है, और देखोगे इनको बहुभाषाविद भी बोले जाते हैं, मतलब इतने सारा भाषा ये जानते थे,
कितने सारे भाषा को ये जानते थे। व्यक्तित्व देखोगे इनका, स्व व्यक्तित्व और स्वभाव, सुंदर लंबा गठीला शरीर, एकदम हिस्ट पुष्ट देखोगे, एकदम फिट शरीर वाले लोग थे। इनका रुचि देखोगे सुरुचि, सुव्यवस्था एवं अनुशासन प्रियता, एकांत प्रिय, अंतर्मुखी स्वभाव के व्यक्ति थे ये। अभिरुचि इनका किसमें था, इंटरेस्ट इनका किसमें था, फोटोग्राफी में था, हस्तकलाम था, शिल्प आदि में देखोगे परवीन थे। यूरोप, एशिया, अमेरिका सहित कई देशों की साहित्यिक यात्रा भी किए थे। घूमने फिरने के भी शौकीन थे। कौन? आज्ञे जी। इसीलिए देखो ये अलग अलग देश घूमे भी थे, यूरोप, एशिया। यूरोप तो देखोगे यूरोप महाद्वीप आ जाते, एशिया महाद्वीप के कई सारे देश घूमे थे, अमेरिका भी घूमे थे। अब आप आगे देखिएगा, हाँ यहाँ से चीज़ों को समझिएगा। देखो सम्मान एवं पुरस्कार इनको क्या मिला था, ये इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, यूगोस्लाविया में एक पुरस्कार मिला था जिसका नाम है सुगा, सुगा अंतर्राष्ट्रीय स्वर्ण माल आदि पुरस्कार मिला था। पत्रकारिता देखोगे ये कहाँ किए थे, सैनिक, आगरा, विशाल भारत, कोलकाता, प्रतीक, प्रयाग, ये आपके एग्जाम में पूछा भी गया है प्रतीक, ठीक है, प्रतीक के बारे में कि प्रतीक जो पत्रकारिता, मतलब यहाँ पर समझिएगा प्रतीक दिनमान जो निकलता था पत्र, यहाँ पे न्यूज़पेपर जो निकलता था उसमें ये काम किए थे, नव भारत टाइम्स ये सब। अब कृतियाँ देखोगे तो ये चीज़ें आपको याद रखना, यहाँ पे जो हम आपको बताएंगे, 10 वर्ष की अवस्था में ही देखोगे कविता लिखना शुरू की थी, ये आपको याद रखना है, ठीक है। ये जो चीज़ें हैं ये आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया, अज्ञेय जी कितने वर्ष की अवस्था में देखो कविता लिखना शुरू किए थे, तो 10 वर्ष की अवस्था में। अब आपको हम आगे बताते हैं, लेखन ये हिंदी अंग्रेजी दोनों में करते थे, दोनों भाषा में। बचपन में खेलने के लिए ये एक नाटक लिखे थे जिसका नाम है इंद्रसभा। बचपन में खेलने के लिए देखोगे ये अपने बचपन में ही एक नाटक लिख दिए थे जिनका नाम क्या है, इंद्रसभा नामक नाटक लिखे थे। घर में एक हस्तलिखित आनंद बंधु हस्तलिखित पत्रिका निकाले थे जिसका नाम क्या था, आनंद बंधु। अब हम आपको आगे बताते हैं, देखिए यहाँ पे आगे की चीज़ें क्या है, आगे की चीज़ें 1924 और 25 में देखोगे अंग्रेजी में एक उपन्यास लिखा था, और 1924 में पहली कहानी इलाहाबाद के स्काउट पत्रिका सेवा में प्रकाशित हुआ था। अब इनके प्रमुख रचना जैसे कि बीप थगा, जय दोल, ये तेरे प्रतिरूप, छोड़ा हुआ रास्ता, लौटती पगडंडी आदि कहानी संकलन इनका है, ठीक है। आपके एग्जाम में देखोगे ये बीप थगा पूछा गया है कि बीप थगा किनका कहानी संग्रह है, तो अज्ञेय जी का। शेखर एक जीवनी प्रथम भाग 1941 में, द्वितीय भाग 1944 में, नदी के द्वीप, अपने अपने अजनबी, ये सभी क्या हैं, ये सभी उपन्यास है। उत्तर प्रियदर्शी नाटक है इनका, भग्न दूत, चिंता, हरी घास पर छनभर, बाबरा अहेरी, आंगन के पार द्वार, कितनी नाव में कितनी बार, ये सब इनका क्या है, कविता संकलन है। कुछ रचना और भी है जो हम आपको आगे बताते हैं, देखिए यहाँ पे कुछ रचना इनका और भी है, जैसे अरे ययावर, रहेगा याद, एक बूंद सहसा उछली, यात्रा साहित्य निबंध है, तार सप्तक, और दूसरा सप्तक ये आपके एग्जाम में भी पूछा गया है कि दूसरा सप्तक का प्रकाशन कब हुआ था, 1951 में, ठीक है। और सभी रचना इनका है, तो ये तो देखोगे इनका परिचय हो गया। अब हम लोग चलेंगे कहानी की ओर, ठीक है, चलिए कहानी की ओर नहीं, एक और स्लाइड इनके बारे में आप देख लीजिएगा, तब हम लोग चलेंगे कहानी में क्या है। द्वितीय महायुद्ध के दौरान देखोगे उन्होंने सेना में नौकरी की थी, ये सेना में नौकरी भी किए थे कब, द्वितीय महायुद्ध के दौरान। वे आजीवन सैलानी रहे, रोमांचक यात्रा करना उनका स्वभाव और शौक था। आपको हम बताए थे कि अलग अलग हिस्से में जाना, घूमना फिरना इनका शौक था, ठीक है। तो ये देखोगे इनका सैलानी मतलब होता है घूमने वाले जो व्यक्ति होते हैं। साहित्य में प्रेमचंद और जयशंकर के बाद आए महत्वपूर्ण क्रांतिकारी परिवर्तन में अज्ञेय जी की भूमिका निर्णायक रही है। आप जो पढ़ोगे कहानी अब बताते, देखिए यहाँ पे इस पॉइंट को आप ध्यानपूर्वक देखिएगा। अज्ञेय द्वारा गैंग्रीन शीर्षक से 1934 में लिखी गई कहानी यहाँ प्रस्तुत है, और बाद में इसका शीर्षक लेखक के द्वारा बदल करके क्या कर दिया गया था, रोज। मतलब समझिएगा जो कहानी अभी आप पढ़ेंगे इस चैप्टर में, रोज कहानी, इसका जो शुरुआती शीर्षक था, जो हेडलाइन था, उसका नाम था गैंग्रीन नाम था। वातावरण परिस्थिति, इस कहानी में आप क्या देखने वाले हैं, देखिए वातावरण परिस्थिति और उसके प्रभाव में ढलते हुए एक गृहिणी,
गृहिणी मतलब देखो घरेलू कार्य करने वाली जो स्त्री होती है उसको हम लोग गृहिणी बोलते हैं। गृहिणी के चरित्र का मनोवैज्ञानिक उद्घाटन अत्यंत कलात्मक रीति से लेखक यहाँ प्रस्तुत करते हैं। हम लोग पढ़ेंगे कि वो गृहिणी कौन है, किसके बारे में। तो चलिए अब कहानी में आप लोग देखिएगा, ठीक है। अब आपको हम लेके चलते हैं कहाँ, कहानी की ओर। यहाँ तक चीज़ें आप समझ गए होंगे अच्छी तरह से। आ जाइए अब आप कहानी की ओर, ठीक है। ये आपका पर्दा खुला और यहाँ से आपका कहानी में क्या है, चलिए चित्र भी दो लगा हुआ है, चित्र के माध्यम से भी हम आपको बताएंगे यहाँ पे क्या चीज़ आप समझने वाले हैं, जानने वाले हैं, ठीक है। देखिए बताते हैं अब। रोज कहानी प्रेमचंद के बाद एक श्रेष्ठ कहानी है जिसमें लेखक ने वातावरण, परिस्थिति और उसके प्रभाव में ढलती एक गृहिणी का चित्रण किया है। जैसे देखोगे ये घरेलू महिला घर में कार्य कर रही है। इस कहानी की प्रमुख पात्र मालती है। इस कहानी की प्रमुख पात्र कौन है आपको याद रखना है, मालती। यहाँ से आपके एग्जाम में वस्तुनिष्ठ प्रश्न बनेंगे कि रोज कहानी में देखोगे कहानी की नायिका कौन है या प्रमुख पात्र पूछ ले तो आपको याद रखना है वो कौन है, मालती, जो लेखक के दूर के रिश्ते की बहन है, जो लेखक के दूर के रिश्ते की बहन है। लेकिन मैं आपको बता दूं ये बहन वाला रिश्ता नहीं रखे, ये सखी वाला रिश्ता रखते हैं, ठीक है। कौन, लेखक अज्ञे जी इनको क्या मानते हैं, सखी मानते हैं। मालती से मिलने के लिए लेखक पैदल चलकर उसके घर तक पहुंचता है। मालती से मिलने के लिए देखोगे ये 4 वर्ष बाद आते हैं। कौन, लेखक मालती से मिलने के लिए 4 वर्ष बाद आते हैं और पैदल आते हैं। 4 वर्ष बाद देखोगे मालती का जो है ना शादी हो जाता है और इनके पति जो है आगे हम आपको बताएंगे महेश्वर है जो कि डॉक्टरी पेशा से हैं और एक सरकारी मतलब एक पहाड़ी एरिया में सरकारी डिस्पेंसरी में वो कार्य करते हैं। और यहाँ तक देखोगे ना लेखक जो है अज्ञेय जी एकदम पैदल ही आते हैं क्योंकि रूट थोड़ा सा कंजेस्टेड था, जहाँ गाड़ी मोटर नहीं चलता था, इलाका पहाड़ी था, तो पहाड़ी एरिया में ये पैदल ही आए थे। जैसे यहाँ आपको हम एक पहाड़ी एरिया का जो दृश्य दिखाए हैं तो पहाड़ी एरिया में लेखक देखोगे आते हैं क्योंकि इनके पति का ट्रांसफर इसी एरिया में होता है। डॉक्टर इनके पति सरकारी डिस्पेंसरी में देखोगे गैंग्रीन नामक बीमारी का इलाज करते हैं। आगे हम आपको बताएंगे कि गैंग्रीन नामक बीमारी होता क्या है। तो यहाँ तक हम आपको बताते हैं कि इस कहानी की प्रमुख पात्र है मालती, जो लेखक के दूर के रिश्ते की बहन है और मालती से मिलने के लिए लेखक पैदल चलकर उसके घर तक पहुँचता है। अब आपको हम आगे बताते हैं, आगे देखिए इसमें क्या है, आगे की चीज़ों को आप लोग देखिएगा आगे क्या है, ठीक है। तो चलिए अब आप लोग आगे देखिए, देखिए यहाँ पे ये रहा अगला स्लाइड में आप देखिए क्या है, ठीक है। आगे देखोगे यहाँ पे अब आपको हम बता रहे हैं लेखक मालती को सखी कहना पसंद करते हैं। ये अभी आपको हम बताए थे लेखक जो है वो मालती को क्या, सखी कहना पसंद करते हैं क्योंकि उन्होंने मालती के साथ अपना बचपन बिताया था, उसके साथ खेला था, उसके साथ पढ़ा था। जैसे आप देख रहे होंगे इस चित्र में, यहाँ पे समझिए कि ये मालती हैं और ये अज्ञे जी हैं, दोनों देखोगे साथ में खेल रहे हैं, ठीक है। तो बचपन में ये लोग साथ ही खेले थे, देखोगे साथ ही पढ़े थे। मालती बचपन में वह वचाल तथा चंचल थी। वचाल और चंचल मतलब क्या होता है बताते हैं। वचाल मतलब होता है खूब बोलने वाला, कुछ बच्चा को आप देखते हैं वैसे छोटा बच्चा जो होता है ना जो बोलता है ना खूब अधिक वो थोड़ा सा अच्छा भी लगता है, ठीक है। सुस्त और भोंदा टाइप का बच्चा आपको पसंद नहीं आएगा। तो ये भी जो थी मालती जो बचपन में थी ना बहुत वचाल थी, वचाल मतलब खूब बोलती थी, चंचल मतलब फुर्तीला। आप देखें कुछ बच्चा एकदम एक्टिव रहेगा, स्थिर बैठेगा ही नहीं, वही था इनका हाल। वचाल बोलने में भी खूब थी और चंचल मतलब तेज भी खूब थी। अब आगे आपको बताते देखिए, लेखक कहते हैं कि मैं आज कोई 4 वर्ष बाद, अभी आपको हम बताए थे ना लेखक मालती से मिलने के लिए कितने साल बाद आते हैं, आप सभी को याद रखना है कि लेखक मालती से 4 वर्ष बाद मिलने आते हैं, ठीक है। और तब तक मैं देखोगे मालती का क्या, अभी आपको हम बताए थे मालती का शादी हो चुका होता है, उसे देखने आया हूँ। जब मैंने उसे इससे पूर्व देखा था तब वह एक लड़की ही थी। अब वह विवाहिता है, एक बच्चे की माँ है। ये करें कि 4 साल पहले जब मैंने मालती को देखा था तब वो एक लड़की थी, लड़की माने कि तब उसका शादी नहीं हुआ था। और अभी जब ये इनको देखते हैं मालती को, शादी तो हो ही गया है, साथ ही साथ उनको एक बच्चे भी हैं और जिस बच्चे का नाम आपको हम बताएंगे जिसका नाम है टीटी, उस बच्चे का नाम क्या रखा है टीटी, वो आपको आगे हम बताएंगे टीटी का क्या हाल समाचार है वो आप आगे देखिएगा। तो यहाँ तक की चीज़ें आप समझ गए होंगे। अब चलिए हम आपको आगे बताते हैं,
आगे कहानी में क्या मिलने वाला है आपको, ये देखिए आप, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए यहाँ क्या चीजें हैं। डॉक्टर पति के काम पर चले जाने के बाद सारा समय मालती को घर में अकेले ही बिताना पड़ता है। जब इनके पति महेश्वर, जो कि डॉक्टरी पेशा से हैं, वो जब काम पर चले जाते हैं, वह सुबह देखोगे जगते हैं और 7 बजे ही घर से निकल जाते हैं। फिर 2-2.5 बजे वो आते हैं घर लौट के, वहाँ अपने जहाँ इनका ड्यूटी है, सरकारी जो डिस्पेंसरी है, एक छोटा सा जो हॉस्पिटल है, वहाँ पर ये रहते हैं। मालती के पति का नाम महेश्वर है, याद रखिएगा, आपके एग्जाम में ये पॉइंट पूछा भी गया है ऑब्जेक्टिव प्रश्न में कि मालती के पति का नाम है महेश्वर और महेश्वर किस पेशा से जुड़े हुए लोग हैं, मतलब कौन सा कार्य महेश्वर कर रहे हैं। तो महेश्वर का कार्य है डॉक्टरी का, ठीक है। अब आपको आगे बताते हैं, वह एक पहाड़ी गांव में सरकारी डिस्पेंसरी के डॉक्टर हैं, उसी हैसियत से उन्हें इन क्वार्टर में रहने को मिला है। जैसे आप देखते होंगे जो सरकारी कर्मचारी होता है ना, तो सरकार उनको रहने के लिए सरकारी क्वार्टर देते हैं। क्वार्टर मतलब एक छोटा सा घर, रूम वूम दे देता है, जहां वो लोग अपने परिवार के साथ रहते हैं। तो इनके भी पति को देखोगे, मालती के पति को जो है, जो हम बता रहे जो वहाँ पे पहाड़ी एरिया था, जो पहाड़ी गाँव था, वहाँ पर रहने के लिए एक सरकारी क्या दे दिया गया था, क्वार्टर दे दिया गया था, आप यहां रह सकते हैं, ठीक है। अब आपको हम आगे बताते हैं, देखिए यहां पे प्रातः काल 7 बजे डिस्पेंसरी चले जाते हैं इनके पति जो हैं, वह सुबह 7 बजे ही चले जाते हैं और 1:30 या 2 बजे लौटते हैं। उसके बाद दोपहर भर की छुट्टी रहती है, केवल शाम को 1-2 घंटे फिर चक्कर लगाने के लिए चले जाते हैं। इनके पति जो है, बताते हैं महेश्वर के बारे में, ये क्या करते हैं, सुबह होते ही 7 बजे घर से निकल जाते हैं, 1:30-2 बजे तक लौटते हैं, 1:30-2 बजे तक, तब तक देखो मालती अकेले अपने घर में जो कार्य होता है करते रहती है। और इनका जो बालक है, जो बच्चे हैं टीटी, वो हमेशा रोते रहता है, बीमार चिड़चिड़ा टाइप का रोते रहता है। तो इनको दोनों काम करना पड़ता है, घर का भी काम संभालना पड़ता है, अपने बच्चे को भी संभालना पड़ता है, ठीक है। अब पति को अपने कार्य से फुर्सत नहीं मिल पाते हैं, ठीक है, और ये बेचारी अपने काम में बिजी रहते हैं। ऐसा लगता है कि इनका जीवन नीरस, उदास, बोझिल सा है, क्योंकि इनके पति को उतना समय नहीं रहता कि जो अपनी पत्नी से बैठ के देखोगे प्रेम की कुछ बातें कर पाएं। वो अपने काम में पड़े हुए रहते हैं और ये बेचारी अपने काम में लगे हुए रहते हैं, दोनों का ये हाल रहता है। अब आपको हम बताते हैं, देखोगे इनके पति जो हैं डॉक्टर महेश्वर जी, ठीक है, जैसे यहाँ पे आपको दिखा रहे हैं, ये काम पर चले जाते हैं, इलाज क्या करते हैं बता देते हैं। देखिए गैंग्रीन नाम का एक बीमारी होता है और ये होता है, देखोगे पहाड़ी गाँव में जो रहने वाले लोग हैं, पैर में कांटा चुभने से ये बीमारी हो जाता है। जैसे आप देखिएगा यहाँ पे डॉक्टर साहब हैं, इनका पैर देख रहा है, नीचे देख रहा है ना, यहाँ पे देखोगे कांटा चुभने से क्या होता है, कांटा को यदि अधिक समय तक नहीं निकाला जाता है तो वह धीरे धीरे करके देखोगे एक घाव का रूप ले लेता है अंदर से, और उसका ऑपरेशन करते हैं ये कौन, महेश्वर। तो ये गैंग्रीन नामक बीमारी का क्या करते हैं, ऑपरेशन करके उसके पैर से उसको निकालते हैं, जो एक घाव का रूप ले लेता है। और खास करके ये पहाड़ी गाँव में पहाड़ी लोगों को देखोगे उनके पैरों में कांटा चुभने से हो जाता है, ठीक है। अब आप आगे देखिएगा यहाँ पे आगे की चीज़ों को, अब आपको हम यहाँ बता रहे हैं। देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे ये जो बच्चा रो रहा है, इसके बारे में आपको हम बताएंगे कि ये रोने वाले इमेज हम क्यों दिए हैं इसमें, इसके इस चित्र के माध्यम से आपको हम कुछ बताएंगे। देखो उसका दुर्बल बीमार और चिड़चिड़ा पुत्र टीटी, यही जो टीटी है, ठीक है, दुर्बल बीमार और चिड़चिड़ा पुत्र टीटी हमेशा सोता रहता है या रोता रहता है। ये देखोगे अज्ञा जी करेंगे, उनका जो बेटा है, पुत्र है, दुर्बल बीमार पुत्र, वह हमेशा सोता रहता है या रोता रहता है। मालती उसकी देखभाल करती हुई सुबह से रात 11 बजे तक घर के कार्य में अपने आप को व्यस्त रखती है। मालती देखोगे सुबह से रात 11 बजे तक घर के कार्य में अपने आप को क्या रखती है, अपने आप को व्यस्त रखती है, बिजी रखती है। उसके जीवन में कोई उत्साह या उमंग नहीं रह गया है, जैसे वह अपने जीवन का भार ढोने में ही घुल रही है और उदासी के बीच यंत्रवत चल रही है। ऐसा लग रहा है, लेखक करें, ऐसा लग रहा है कि मालती के जीवन में ना कोई उत्साह है, ना उमंग है, नीरस भरी जीवन जी रहा है। अभी आपको बताए थे कि नीरस भरी जीवन ये क्यों जी रहे हैं, क्योंकि देखोगे इनका जो बच्चा है बीमार है, हमेशा रोता रहता है या सोता रहता है। उसके बाद यदि बात करें इनके पति जो हैं, सुबह होते ही 7 बजे कहाँ चले जाते हैं, सुबह होते ही 7 बजे ये चले जाते हैं अपने सरकारी डिस्पेंसरी में पेशेंट लोग का इलाज करने के लिए, फिर 2-2.5 बजे तक आते हैं। और तब तक मैं आपको बता दूँ, तब तक ये जो हैं कौन,
मालती ये बेचारी तब तक भूखे रहते हैं जब तक इनके पति नहीं खाते हैं, तब तक ये खाना भी नहीं खाती है। ऐसा देखोगे हमारे भारतीय समाज में कुछ लोग मानते हैं कि पति के खाने से पहले पत्नी को नहीं खाना चाहिए, ये गलत बात भी है। कहीं कहीं आपको हम बताते हैं अब क्यों। अब इनके पति 7 बजे गए, अब वो लौटेंगे 2-2.5 बजे, और तब तक सोचे कि इतने देर तक कोई स्त्री भूखा रहेगी तो उसके शरीर पर उसका क्या असर पड़ेगा। इसलिए देखोगे ये मतलब कमजोर हो गई थी, दुबली पतली सी हो गई थी। लेखक ये भी कहते हैं बड़ा शांत, और देखोगे बड़ा शांत, और लग रहा था कि इनके जीवन में जो खुशी है, जो उमंग है, वो सब लगता था कि छीन हो गया है, घट गया है। तो इस तरह से ये भी चीज़ें दिखाया गया है कि जब तक इनके पति नहीं खाते हैं तब तक ये बेचारी भूखी रहती है। तो कम से कम पति को भी तो उस समय इस बात पे रोकना टोकना चाहिए कि चलो कोई बात नहीं है, मेरा तो काम है, 2-2.5 बजे हम आते हैं, उस बीच में कम से कम तुम तो खा लिया करो। इतना तक भी इनके पति देखोगे नहीं कहते हैं, और इस बात को उनके पति हंस के टाल देते हैं। जब लेखक पूछते हैं किनसे, उनके पति से, कि तुम भी जाकर के अब मतलब ये तुम खाना खाई कि नहीं खाई, तो उनके पति कहते हैं इनका क्या, ये तो खा लेगी, ठीक है। तो उस दौरान लेखक को थोड़ा बुरा भी लगता है कि मान चलिए कि कोई व्यक्ति, आप उनके पति हैं तो क्या हुआ, मतलब वो कहते नहीं है लेकिन उसको मन ही मन बुरा लगता है कि मालती के साथ में ये इतना सारी चीज़ें हो रहा है, और मालती इसके विरोध में कोई बातें नहीं कर रही, अपने पति से भी ये बातें नहीं करती है। अब आपको हम आगे बताते हैं, देखिए यहाँ पे आगे की चीज़ें क्या है, इसको समझिएगा। आगे यहाँ पे हैं प्रसंग बस मध्यवर्गीय भारतीय समाज में घरेलू स्त्री के जीवन और मनोदशा पर लेखक अपनी सहानुभूति मानवीय दृष्टि केंद्रित करता है। यहाँ पर देखोगे प्रसंग बस मध्यम वर्गीय भारतीय समाज में घरेलू स्त्री के जीवन और मनोदशा पर लेखक अपनी सहानुभूतिपूर्ण मानवीय दृष्टि केंद्रित करता है। इस लाइन का मतलब क्या है, इस लाइन का मतलब ये है कि अभी भी कुछ भारतीय नारी देखोगे कुछ पुराने परंपरा को ढोने के चक्कर में अपने आप को क्या देखो कष्ट दे रही है, दबा जैसा फील कर रही है। उसके बाद देखोगे इसमें दबी सताई सी फील इनको हो रहा है, उदास नीरस इस तरह का इनका जीवन बन चुका है, और ये अपने आप पे जो मतलब कष्ट हो रहा है उसको ये बयां भी नहीं कर पा रही है। आगे देखिएगा इसमें मालती 2 वर्षों के वैवाहिक जीवन के बाद बदल गई है। लेखक कह रहे हैं कि मालती जो है 2 वर्षों के वैवाहिक जीवन के बाद बदल गई है। उसे केवल कर्तव्य पालन और औपचारिकता निर्वाह करना पड़ता है। ऐसा लगता है ये करें लेखक देखोगे ऐसा करें कि ऐसा लगता है कि वो कर्तव्य पालन में ही अपने जीवन को बिता रहे हैं। कर्तव्य पालन मतलब क्या, जो नियम कायदा बनाया गया, जो हमारा कर्तव्य है, जो पत्नी धर्म है, उसको निभाने में ही लगी पड़ी है। आगे करें और औपचारिकता निर्वाह करना पड़ता है। उत्साह का सर्वथा अभाव जीवन में आ जाता है। इनके जीवन में उत्साह का देखोगे सर्वथा क्या है, अभाव है। जीवन नीरस उदास और यांत्रिक बन गया है। ऐसा लगता है कि इनका जीवन क्या बन गया है, नीरस उदास और यांत्रिक। यांत्रिक मतलब क्या होता है, देखिएगा जैसे आप देखोगे कुछ मशीन को आप फिक्स कर दोगे उसी हिसाब में वो चलता रहेगा। जैसे मान चलिए आपके घर में जो घड़ी है तो उनका क्या है, उसी जगह घूमना, एक ही सर्किल में घूमते रहना बराबर। तो आदमी जब देखोगे लगातार एक ही काम को करेगा ना, कोई भी व्यक्ति मैं आपको बता दूं, तो उनका जीवन यंत्र की तरह हो जाता है, मशीन की तरह हो जाता है, आदमी उब जाता है और उस चीज़ से भागना चाहता है। तो आप भी अपने कार्य में थोड़ा सा नयापन ढूंढा कीजिए। जैसे हम ये नहीं कहेंगे, जैसे आप कुछ स्टूडेंट पढ़ रहे हैं तो ये जरूरी नहीं कि आप लगातार पढ़ रहे हैं तो आप एकदम पढ़ते चले जाओगे। ऐसा होगा कि आपका कुछ पल के लिए आपका बॉडी आपका माइंड जवाब देगा नहीं अब बस अब नहीं, तो उस दौरान आप काम बदल लो, आप कुछ और करो, रिलैक्स हो जाओ, ठीक है। मतलब काम बदलना चाहिए। यदि आप काम नहीं बदलोगे तो हम बता देते हैं, जैसे समझिए कोई आपको जोक्स सुना रहा है, ठीक है, एक जैसे आप कोई रील्स देखते हैं, कोई वीडियो देखते हैं, खूब मजाक वाला वीडियो, ठीक है, आप पहली बार देखोगे तो आपका खुशी का लेवल देखिए कितना मतलब लेवल बढ़ा रहेगा। अब आपको वही वीडियो दोबारा दिखाया जाएगा तो आपको फिर उतना मजा नहीं आएगा। चलो 3 बार 4 बार और रिपीटेड करके लगातार वही वीडियो का आपको 5-6 बार यदि कोई बताए मतलब दिखाए तो आपको अब उस वीडियो देख कर आपको वह वीडियो देख करके अब गुस्सा उठेगा। तो यही होता है लगातार कार्य करने में भी, मतलब एक ही तरह का ये बेचारी कार्य करने में लगा हुआ, ऐसा लग रहा है कि इसका जीवन क्या बन चुका है, यांत्रिक बन चुका है, मशीन की तरह ये कार्य कर रही है, ठीक है। अब आपको हम आगे बताते हैं, देखिए यहाँ पे आगे की चीज़ें क्या है इसको समझिएगा। अब आगे की चीज़ें यहाँ पे ये है,
पति महेश्वर अपनी डॉक्टरी कार्य में व्यस्त है, उसे रोज ऑपरेशन करना पड़ता है। इनके पति जो हैं, इनके पति कौन, पति महेश्वर मालती के पति, ये रोज दिन अपने ही कार्य में व्यस्त हैं और उसे रोज ऑपरेशन करना पड़ता है। रोज ऑपरेशन करने वाले ही पेशेंट आते हैं। ऑपरेशन किसका करते हैं, बता दिए थे आपको, गैंग्रीन नाम का जो बीमारी है उसका क्या करते हैं इनके पति, ऑपरेशन करते हैं। ठीक है, आगे देखोगे, पत्नी एक अखबार का टुकड़ा पढ़ती है, वह बाहर की दुनिया से जुड़ना चाहती, इसका मतलब आपको बताते हैं। ठीक है, अखबार का टुकड़ा ये कौन सा पढ़ता है, जैसे देखोगे ये जब आते हैं, कौन ये जब आते हैं, अज्ञेय जी इनके घर पे आते हैं, तो क्या होता है शाम में जब इनके पति लौटते हैं तो वो देखोगे आम लेके आते हैं। ठीक है, आम लेके आते हैं और पेपर में वो लिपटा हुआ आम रहता है, अंगीठी यानी अंगीठी लकड़ी जो होता है उसी पे वो रख देते हैं और मालती को कहते हैं कि मालती एक काम करो, जाओ वहाँ पे जो है आम रखा हुआ है पेपर में लपेटा हुआ है और आम को धो लेना, काट के देना, हम लोग खाएंगे। तो मालती जाती है, देखोगे तो आम को वो क्या करते हैं, अपने साड़ी के जो मतलब आँचल होते हैं उसमें वो रख लेते हैं। ठीक है, और ये जो अखबार का जो टुकड़ा होता है इसको लेकर के ये मतलब शाम का समय होता है, उस समय देखोगे रात होने वाली होती है, ठीक है, सूर्यास्त होने वाली होती है, तो और वो पेपर लेके उसको पढ़ रही होती है। पेपर को पढ़ते 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 कुछ देर बाद क्या होता है, देखोगे उस पेपर को मोड़ के जब उसका पूरा पढ़ा हो जाता है तो पेपर को मोड़ करके ये फिर उस कागज़ के टुकड़ा को फेंक देती है। तो लेखक को ऐसा लगता है कि मालती जो है यह बाहरी दुनिया से जुड़ना चाहती है, और इसको एक पीछे का कहानी भी याद आता है, लेखक को एक पीछे का कहानी याद आता है कि जो मालती अभी एक पेपर के टुकड़ा के लिए तरस रही है, पढ़ने को तरस रही है, उनको इनके बचपन का एक कहानी याद आता है कि जब हम लोग छोटे थे तो मालती के पिताजी जो है मालती को मतलब पढ़ाई नहीं करती थी, खेलने धूपने में रहती थी। आप लोग भी देखते होंगे जो बच्चा लोग होता है, आप भी बच्चे होंगे, तो उस दौरान पढ़ाई में उतना मन उन नहीं लगता है, खेलने में रहता है, ग्रुप में चला गया, खेल रहा है, पढ़ाई लिखाई होमवर्क वो कर लेंगे बाद में, अगला दिन स्कूल गए, मार खाए, कोई गम नहीं है। तो बच्चा बचपन में देखोगे आदमी जो है ना दुनिया के अलग अलग चीज़ों से मतलब क्या उतना मतलब रखता नहीं है, उनको सिर्फ अपना परा रहता, और वो देखोगे चंचलता थी उनके अंदर। और इनके पिताजी जो इनको दिए थे किताब, एक होमवर्क दिए थे कि तुमको जो है एक सप्ताह का होमवर्क देते हैं इस किताब का, और उनको बोला था, बोला गया था कि प्रत्येक दिन तुमको जो है कुछ पेज दिए थे रटने के लिए, और वो बोले थे कि एक सप्ताह बाद जो हम इससे सुनेंगे। और ये क्या करती थी, किताब का जो पेज है जितना इनको वर्क दिया गया था वो पेज को एक एक करके फाड़ दी। एक सप्ताह बाद जब इनके देखो पिताजी इनको पूछते हैं कि कहाँ है वो किताब, लाओ आज तुम्हारा होमवर्क चेक किया जाएगा, तो इनको पूछते हैं और जब बुलाते हैं तो पता चलता है कि इनका तो किताब उताब का जो पेज जो याद करने दी थी एक एक, एक, एक पेज को फाड़ के फेंक दी थी। और इनके पिताजी इनसे पूछते हैं कहाँ गया पेज, होमवर्क पूरा की, तो उस समय ही जवाब देती है हमको नहीं पढ़ना है, जाइए, और उस समय इसको खूब मार भी लगता है। मालती के पिताजी देखोगे मालती को पीटना शुरू कर देते हैं। तो लेखक को अब लगता है कि जो मालती देखोगे बचपन में जिनको देखोगे पढ़ने दिया जाता था जबरदस्ती भी तो वो पढ़ना नहीं चाहती थी, और आज मालती का ये हाल है, यह पढ़ने के लिए भी तरस रही है, एक पन्ना मतलब एक कागज के टुकड़ा के लिए तरस रही है जो मालती किताब का पेज फाड़ के फेंक देती थी। तो ये भी चीजें ये देखते हैं, और ऐसा लगता है लेखक को ऐसा लगता है कि यह बाहरी दुनिया से जुड़ना चाहती है, मतलब ऐसा लगता है इनको कि यह जो है उब चुकी है यहाँ पे एक ही तरह का कार्य करते करते, और जिस तरह का यहाँ का माहौल हमको लगता है यह एक ही तरह का कार्य करते करते क्या हो चुकी है, यह बेचारी मालती उब चुकी है। अब आपको हम आगे बताते हैं, देखिए इसमें आगे की चीजें क्या है इसको समझिएगा, कहानी का अंत देखोगे। हाँ, अब आपको हम बताते हैं यहां पे क्या चीजें हैं, देखिए कहानी का जो अंत है, कहानी का अंत होता है, कहानी का अंत 11 बजने की घंटा ध्वनि से होता है, और तब मालती का करुण स्वर में कहती है कि 11 बज गए हैं, उसका घंटा गिना उसके जीवन का निराशा और करुण स्थिति को प्रकट करता है। जब देखोगे रात में ये लोग खाना उना खा लेते हैं तो उस दौरान क्या होता है, देखोगे इनके जो लड़की इनके मालती के जो छोटे बालक थे टीटी, टीटी बेचारा रोता है देखोगे बहुत अधिक, जिस पलंग पे देखोगे ये लोग सोए थे
लेखक और मालती के पति, तो बीच में देखोगे टीटी को भी रखते हैं, लेकिन संजोग से क्या होता है टीटी पलंग पर से गिर जाता है और बेचारा रोने भी लगता है बहुत जोर जोर से, ठीक है। तो उसकी माँ मालती देखोगे दौड़ के आती है, उसको उठाती है और उसके बारे में वो कहती है कि रोज यही होता है, ठीक है, ये रोज गिरता है, रोज रोता है। तो इसलिए इस कहानी का भी नाम देखोगे बाद में रोज ही पड़ता है, क्योंकि टीटी के बारे में जो कुछ घटना सुनाती है जिसको रोज सबसे जोड़ देती है, तो वो कहते हैं कि रोज ऐसा होता है। अब थोड़ा सा देखोगे अज्ञेय जी को, यहाँ पे लेखक को थोड़ा सा ये भी लगता है कि इस माँ को देखोगे मतलब बच्चा इनका गिरा और ये यह बात बोली कि यह रोज गिरता है, क्या इनके दिल में इनके प्रति दर्द नहीं है क्या, ये थोड़ा सा सोचते हैं कौन लेखक। लेकिन ऐसा कुछ बात नहीं कि उनके मतलब मालती को अपने पुत्र के प्रति देखोगे कोई दर्द नहीं था, उनको लग रहा था कि ये घटना इनके लिए सामान्य बात है, क्योंकि ये रोज पलंग पर से क्या होते हैं गिर जाते हैं। अब आगे बताते हैं, देखो आगे क्या होता है कहानी में, कहानी का जो अंत होता है ना वो 11 बजे उसका घंटा गिनने मतलब एक घड़ी होता है जो बजता है, ठीक है, वो घड़ी का जब वो 11 बजे जो टन टन करता है तो इसको क्या लगता है कि अब 11 बज गया है, और 11 बजने के बाद देखोगे यह एक लंबा सा सांस लेती है, इनको लगता है कि चलो आज का समय हमारा जो है वो कट चुका है। तो लेखक को लगता है कि मालती जो है इस तरह से ऐसा लग रहा है कि मालती अपना समय काट रही है, अपना दिन काट रही है, इनके जीवन में जो उल्लास उमंग है वो लगता है कि ऐसा क्या हो गया है खत्म हो गया है। इसीलिए कहते हैं लास्टली देखोगे उसका घंटा गिनना उसके जीवन का निराश और करुण स्थिति को क्या करता है, निराश और करुण स्थिति को प्रकट करता है। आगे करें, मुख्यतः रोज शीर्षक कहानी में जीवन की निरस्ता और यांत्रिकता का स्वर मुखर हुआ है। इस कहानी में देखोगे मुख्यतः रोज शीर्षक कहानी में जीवन की निरस्ता और यांत्रिकता का स्वर मुखर हुआ है। जीवन की निरस्ता मतलब देखोगे जीवन में जो एक दुख है, किनको, मालती के जीवन में जो दुख है, और यांत्रिकता मतलब एक ही तरह का कार्य जो मालती लगातार कर रही है उसको इस कहानी में क्या दिखाया गया है। तो ये था आपका कहानी पूरा का पूरा जो आपको हम बताए, ठीक है। और मैं आप सभी स्टूडेंट को एक बार और बता दूं कि इस वन शॉर्ट सीरीज में आपको हम उन टॉपिक पे ज़्यादा जोर दिए हैं जहाँ से आपके एग्जाम में क्या आ जाएंगे क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। थोड़ा हम शॉर्ट करने का प्रयास किए हैं, यदि कहानी का लाइन बाय लाइन चीज़ों को हम पढ़ाते रहेंगे फिर आपका वीडियो बड़ा ही लंबा जाएगा, और हमको लगता है जहाँ तक कि बहुत सारा लाइन ऐसे भी हैं जो आपके कामों की चीज़ें नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अब आपके पास क्या है कम समय है, तो आप सभी स्टूडेंट को स्मार्ट वर्क करना है और नंबर भी आपको अच्छे ढंग से लाना है। इतना सारा जो चीज़ें आप लगातार अभी तक देखते आ रहे होंगे शुरू से लेकर लास्ट तक, तो इससे भी आपका देखोगे रिजल्ट बहुत ही बेहतर आएगा। जैसा कि आप सभी स्टूडेंट को ये पता है कि योद्धा एकेडमी टीम के जितने भी शिक्षक हैं वो वादा किए हैं आप लोग से, आपको कितना नंबर लाना है, 480 प्लस नंबर, ये आपको दिलवाने का वादा है। तो उस वे में हम लोग प्रॉपर मेहनत कर रहे हैं आप सभी स्टूडेंट के लिए, और आप सभी स्टूडेंट को मैं एक बार बता दूं कि यहाँ पे जो भी पढ़ाया जाएगा और उस वीडियो का आपको पीडीएफ चाहिए तो आप योद्धा एकेडमी एप्लीकेशन को डाउनलोड करें और वहां से आप क्या करें इस वीडियो का प्रॉपर सारा पीडीएफ डाउनलोड कर लें। और आपको हम बता दूं यहां पर आप सभी स्टूडेंट जो भी नए हैं इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब आप आगे बढ़िए, आगे की चीज़ें हम आपको बताते हैं क्वेश्चन आंसर में। ये रहा आपका पहला प्रश्न, और प्रश्न ये है कि मालती के घर का वातावरण आपको कैसा लगा, अपने शब्दों में लिखिए, ये आपका प्रश्न है। तो चलिए मैं आपको इसका क्या बता रहा हूँ उत्तर। मालती के घर का वातावरण बोझिल नीरस तथा निर्जीव सा प्रतीत होता है, उनके घर के वातावरण में उल्लास अपनेपन और प्रेम का भाव बिल्कुल भी नहीं है। उल्लास देखो खुश नहीं थे, अपनेपन मतलब पति पत्नी में भी ऐसा लगता था कि सही से दोनों के बीच में अपनापन जैसा कोई रिलेशन नहीं है, प्रेम नहीं है, दोनों अपने अपने काम में एकदम लगातार बिजी, एक दूसरे को समय नहीं दे पा रहे हैं, एक दूसरे से बात करने तक का फुर्सत नहीं है, इसीलिए लेखक को ऐसा लगता है। आगे कह रहे हैं घर के सभी सदस्य एक निश्चित ढर्रे पर आधारित जीवन जी रहे थे, मालती का जीवन उदासी और घुटन से भरा है, उसके जीवन में कोई उत्साह उत्सुकता या जिज्ञासा नहीं है, वह अपना सारा दिन काम करते हुए तथा हर घंटे समय देखते देखते काट लेती है। देखोगे समय को बराबर जैसे एक घंटा जब बीतता है, जब वहाँ पे जो घड़ी का देखोगे जो घंटी या बड़ा सा जो घंटा बजता है तो उस दौरान ये समय गिनने में लगी रहती है।
लेखक को ऐसा लगता है कि वैवाहिक जीवन के बाद मालती का व्यक्तित्व बुझ सा गया है। लेखक को ऐसा लगता है कि वैवाहिक जीवन के बाद मालती का जो व्यक्तित्व है, मालती के जीवन का जो खुशी है, उल्लास है, वो सब क्या हो चुका है, खत्म हो चुका है। अब आप आगे देखिएगा, ये दूसरा प्रश्न आप देखिए, यहाँ पे दूसरा प्रश्न आपका ये रहा, मालती के पति महेश्वर की कैसी छवि आपके मन में बनती है, कहानी में महेश्वर की उपस्थिति क्या अर्थ रखती है। या देखोगे यहाँ पे अपने विचार दिया है, मालती के पति महेश्वर का परिचय दें, यह भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। क्वेश्चन को दोनों तरह से पूछा जा सकता है, मालती के पति महेश्वर का परिचय दें। देखिए यहाँ पे, मालती का पति महेश्वर एक पहाड़ी गांव की सरकारी डिस्पेंसरी में डॉक्टर है। वह गैंग्रीन नामक बीमारी का इलाज करता है। उनका जीवन यंत्रवत है। वह रोज सवेरे 7 बजे डिस्पेंसरी चला जाता है तथा दोपहर के 2 बजे भोजन करने के लिए आता है। शाम को वह फिर 1-2 घंटे के लिए डिस्पेंसरी जाकर के रोगियों को देखता है, जो पेशेंट लोग आते हैं। रोज दिन वही काम, उसी प्रकार के मरीज, मतलब रोज दिन वही काम और उसी सेम टाइप के मरीज, मतलब पेशेंट इनके पास आते हैं गैंग्रीन नाम के बीमारी वाले। वही हिदायत, सेम वही बात समझाना, वही दवाइयाँ, सेम वही दवाई देना। वह स्वयं अपने इस तरह के कार्य से उकताए हुआ है। उसे ऐसा लगता है कि मतलब महेश्वर को कि ये काम में वह स्वयं उकता गया, मतलब एक ही प्रकार के कार्य को लगातार करना, एक ही तरह के रोगी को देखना, उसको सेम वही दवाई देना और वही सलाह या हिदायत देना, तो ऐसा लगता है कि महेश्वर भी अपने काम से क्या है, परेशान है, उकताए हुआ है। तो ये आपका दूसरा प्रश्न रहा। अब आ जाइए आगे आप तीसरा प्रश्न पे। प्रश्न आपको वही बताया जाएगा जो आपके एग्जाम में पूछने की संभावना है। क्वेश्चन है रोज कहानी की मालती ने किताब का क्या किया था। तो रोज कहानी की मालती हम आपको बताए थे, अज्ञेय लिखित रोज कहानी की मालती ने किताब को पढ़ी नहीं थी, उसने रोज 10 पन्ने यानी 20 पेज किताब का फाड़ कर फेंक दिया और देखोगे अपने खेल में किसी भी भांति का फर्क ना पड़ने दिया था। हम आपको बताए थे ना कि बचपन में इतना वचाल, मतलब बोलने वाली थी और चंचल थी और खेलने में ही हमेशा व्यस्त रहती थी। तो इनके पिताजी को लगा कि पढ़ नहीं पाएगी तो इनको कुछ वर्क देते हैं। वर्क इनको एक दिया गया था कि रोज जो है तुमको 10 पन्ना यानी 20 पेज किताब क्या करना है, तुमको देखोगे पढ़ना है। लेकिन ये क्या करती थी देखोगे, रोज मतलब 10 पन्ना इनको याद करने दिया था यानी 20 पेज एक एक दिन इनको याद करने दिया था और ये क्या की, उस सब किताब के पेज को फाड़ करके फेंक दी थी और अपने खेल में किसी भी प्रकार का देखो फर्क पड़ने नहीं दिया था। इनको लगा था कि जब पिताजी किताब मांगेंगे तो उनके सामने बहाना कर लेंगे कि किताब का पेजे कोई फाड़ दिया या फट गया, ताकि हमारे पिताजी हमको कुछ नहीं कहेंगे। बच्चा लोग का देखोगे इस प्रकार का बहानाबाजी भी होता है, ठीक है। तो इनको बहाना नहीं चला, इनको उस समय क्या लगा था, मारपीट लगा था। अब आपको हम आगे बताते हैं, देखिए यहाँ पे ये आपका रहा 4 नंबर का प्रश्न यानी चौथा प्रश्न। ये आपका 4 नंबर का प्रश्न क्या है, इसके बारे में आपको हम बताते हैं। देखिए यहाँ पे कहानी के आधार पे मालती के चरित्र के बारे में अपने शब्दों में लिखिए। कहानी के आधार पर मालती के चरित्र, मतलब मालती के बारे में आपको बताना है। तो टॉपिक आपको हम पूरा समझाए हैं और उस आधार पर आपको इस प्रश्न का क्या देना है, जवाब देना। देखिए रोज कहानी के आधार पर मालती इस कहानी के मुख्य, देखोगे मुख्य पात्रा एवं नायिका है। बचपन में वह बंधनों से परे उन्मुक्त एवं स्वच्छंद रहती थी। 4 साल के अंतराल में मालती की शादी हो गई है। 4 साल के अंतराल में क्या हुआ है, मालती की शादी हो गई है। अब वह एक बच्चे की माँ है। अब वह क्या है, एक बच्चे की माँ है। अब मालती के जीवन में बहुत सारे परिवर्तन हो गए हैं। अब मालती के जीवन में क्या हुआ है, बहुत सारे परिवर्तन हो गए हैं। वह समय के साथ समझौता करने वाली कुशल गृहिणी, पत्नी और एक माँ बन चुकी है। अब देखोगे ऐसा लगता है कि वह समय के साथ समझौता करने वाले एक कुशल गृहिणी, मतलब देखोगे जो घरेलू कार्य करने में जो ठीक ठाक महिला होती है उसको कुशल गृहिणी बोला जाता है, और एक पत्नी एवं माँ बन चुकी है। ये आपका चौथा प्रश्न रहा और सब्जेक्टिव में ये अब आपका लास्ट प्रश्न होगा, ठीक है, अंतिम प्रश्न। सब्जेक्टिव में ये आपका अंतिम प्रश्न है, रोज शीर्षक कहानी के सारांश लिखें। तो चलिए इसके बारे में भी आप लोग देख लीजिए रोज, तब इसके बाद हम आपको बताएंगे ऑब्जेक्टिव प्रश्न। इन
रोज कहानी से रिलेटेड आप लोग क्या देखिएगा, इसके बाद ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखिएगा। रोज शीर्षक कहानी के कहानीकार हिंदी के शीर्षस्थ गद्यकार अज्ञ हैं। रोज कहानी प्रेमचंद के बाद एक श्रेष्ठ कहानी है जिसमें लेखक ने वातावरण, परिस्थिति और उसके प्रभाव में ढलती एक गृहिणी का चित्रण किया है। इस कहानी की प्रमुख पात्रा मालती है, जो लेखक के दूर के रिश्ते क्या ही बहन है। मालती से मिलने के लिए लेखक पैदल चलकर देखोगे उसके घर तक पहुंचता है। लेखक मालती को सखी कहना पसंद करते हैं क्योंकि उन्होंने मालती के साथ अपना बचपन बिताया था, उसके साथ खेला था, पढ़ा था। बचपन में वह बचाल और चंचल थी। आज मालती विवाहिता हो चुकी है तथा एक बच्चे की माँ है। डॉक्टर पति के देखो काम पर चले जाने के बाद सारा समय मालती को घर में अकेले ही बिताना पड़ता है और उसका दुर्बल, बीमार और चिड़चिड़ा पुत्र जो है कौन, टीटी, वह हमेशा सोता रहता है या रोता रहता है। आगे देखिएगा, यहाँ पे आगे की चीजें क्या है इसको समझिएगा आप। आगे हैं, मालती उसकी देखभाल करती हुई सुबह से रात 11 बजे तक घर के कार्यों में अपने को व्यस्त रखती है। उसके जीवन में कोई उत्साह, उमंग नहीं रह गया है, जैसे वह अपने जीवन का भार ढोने में ही घुल रही है और उदासी के बीच यंत्रवत चल रही है। प्रसंग बस देखोगे, मध्यम वर्गीय भारतीय समाज में घरेलू स्त्री के जीवन और मनोदशा पर लेखक अपने सहानुभूतिपूर्ण मानवीय दृष्टि केंद्रित करता है। और मालती 2 वर्षों के वैवाहिक जीवन के बाद बदल गई है, उसे केवल कर्तव्य पालन और औपचारिकता निर्वाह करना पड़ता है। उत्साह का सर्वथा अभाव जीवन में आ जाता है, जीवन नीरस, उदास और यांत्रिक बन गया है। किनका? मालती का। यहाँ तक आपका जो भी था, यानी कि 5 सब्जेक्टिव प्रश्न लिया गया है जो यहाँ से आपको देखना है, ठीक है। 5 सब्जेक्टिव प्रश्न पे आपको ध्यान रखनी है और रिवीजन भी आप लोग कर लीजिएगा जब पीडीएफ आपको मिल जाएगा। अब आपको हम आगे बता रहे हैं इस चैप्टर से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव प्रश्न के बारे में, ठीक है। तो चलिए, आपका ऑब्जेक्टिव प्रश्न क्या रहा, ये आगे पति ऑपरेशन अपने अखबार का, हाँ थोड़ा सा और भी बचा है कुछ चीज़ें इसमें, तब ऑब्जेक्टिव पर हम लोग चलेंगे। आगे है, देखोगे पति महेश्वर अपनी डॉक्टरी कार्य में व्यस्त है, उसे रोज ऑपरेशन करना पड़ता है। पत्नी एक अखबार का टुकड़ा पढ़ती है, वह बाहर की दुनिया से देखोगे जुड़ना चाहती है। कहानी का अंत 11 बजने की घंटा ध्वनि से होता है और तब मालती करुण स्वर में कहती है, 11 बज गया। उसका घंटा गिना उसके जीवन का निराश और करुण स्थिति को घंटा गिनना होगा, उनका घंटा गिनना उसके जीवन का निराश और करुण स्थिति को प्रकट करता है। मुक्ता देखिएगा, रोज शीर्षक कहानी में जीवन की निरसता और यांत्रिकता का स्वर मुखर हुआ है। अब हम आपको आगे बताते हैं, ठीक है। अब यहाँ से होगा आपका ऑब्जेक्टिव प्रश्न, वस्तु निष्ठ प्रश्न पहला है, मालती किस कहानी की पात्रा है। ये आप सभी स्टूडेंट को पता है क्योंकि शुरू से आप लोग पढ़ रहे हैं। जब इस कहानी को लेखक परिचय देखे, कहानी में सारी चीज़ को आप समझ गए, तो ऑब्जेक्टिव आपसे अब एक भी नहीं छूटेगा जो यहाँ हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। तो चलिए, इसका जवाब आपका क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का जवाब आप सभी स्टूडेंट का हो जाएगा, मालती किस कहानी की पात्रा है। तो रोज आप क्या जवाब दीजिएगा, हम आगे बढ़ गए कि पीछे आ गए, वो पेन सेलेक्ट नहीं किए थे, तो आपका जवाब इसमें क्या हो जाएगा, रोज। आप में से जो इस प्रश्न का जवाब रोज दिए हैं, एकदम सही जवाब। दूसरा प्रश्न आपका ये रहा, निम्न में से किस कहानी में गैंग्रीन का उल्लेख है। गैंग्रीन का उल्लेख, गैंग्रीन क्या आपको बताए थे, यह एक प्रकार का बीमारी है पहाड़ी एरिया के लोगों को, कांटा उनके पैर में कांटा चुभने के कारण हो जाता है, क्योंकि कांटे को देखोगे बहुत दिनों तक जब वो नहीं निकालता है ना पैर से, तो वो कांटा अंदर में देखोगे सरने लगता है और सर के देखो वो धीरे धीरे घाव का रूप लेने लगता है और आदमी को चलने में पैर में दर्द होता है नीचे पाँव में, तो उसको ऑपरेशन करके निकाला जाता है। तो आपका जवाब इसमें हो जाएगा कि गैंग्रीन का उल्लेख, देखोगे फिर हम सेलेक्ट नहीं किए थे पेन, चलिए हाँ, तो गैंग्रीन का उल्लेख किस पाठ में है, तो गैंग्रीन का उल्लेख है रोज। आपका जवाब क्या हो जाएंगे, रोज। अब आपका लेते हैं तीसरा प्रश्न, अज्ञेय के पिताजी का नाम क्या था। डॉक्टर अभय अभियानंद शास्त्री, दयानंद, हीरानंद, अच्युतानंद शास्त्री। तो हम आप सभी स्टूडेंट को शुरू में बताए थे ये भी चीज़ की लेखक परिचय भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि आपके एग्जाम में लेखक परिचय से प्रश्न आते हैं। तो यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा डॉक्टर हीरानंद शास्त्री, डॉक्टर हीरानंद शास्त्री। अब आपका लेते हैं ये 4 नंबर का प्रश्न, ठीक है। टोटल 16 या 17 प्रश्न होगा, एकदम आराम आराम से आपको करना है। अब ये रहा आपका आगे का प्रश्न,
रोज कहानी के कहानीकार कौन है? अज्ञे मोहन राकेश मलियज या बाल कृष्ण भट्ट? यहाँ भूट लिख दिया है ना, भट्ट हो जाएंगे, भूट नहीं होंगे, तो आपका जवाब इसमें हो जाएगा अज्ञे। रोज कहानी के कहानीकार कौन है? आपको याद रखनी है कि रोज कहानी के कहानीकार कौन है? अज्ञे है। अब लेते हैं आपका प्रश्न संख्या 5 नंबर, और ये है पांचवा प्रश्न, मालती के पति का नाम क्या है? ऑप्शन देखिएगा, चंदेश्वर, समेश्वर, महेश्वर या रामनाथ। तो मालती के पति जो हैं ये कौन है? तो मालती के पति हैं महेश्वर, और पेशे से ये क्या थे? पेशे से ये डॉक्टर थे, याद रखिएगा। कुछ मतलब ऑब्जेक्टिव से हम और भी ऑब्जेक्टिव को रिलेट कर देंगे, ताकि इसमें मेंशन नहीं है वो ऑब्जेक्टिव तो भी आपको क्या रहेगा, याद रह जाएगा। ये रहा आपका आगे का प्रश्न 6 नंबर में, रोज कहानी की नायिका कौन है? मुखपात्रा और नायिका दोनों की यदि बात करें तो रोज कहानी की नायिका जो है वो है मालती। कौन है? मालती। ऑप्शन नंबर ए आपका हो जाएगा, मालती रोज कहानी की कौन है? नायिका है। आगे का प्रश्न ये रहा 7 नंबर में, दूसरा सप्तक का प्रकाशन कब हुआ था? ये हम आपको शुरू में भी बताए थे, लेखक परिचय जिस समय हम आपको बता रहे थे, तो इसका जवाब आपका क्या होगा, 1950, 51, 52 या 54? तो दूसरा सप्तक का जो प्रकाशन हुआ था वो देखोगे कब, तो वो हुआ था 1951 ईस्वी में। अब आ जाइए आप 8 नंबर के प्रश्न में, बचपन में खेलने के लिए सचिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे ने कौन सा नाटक लिखा था? ये हम आपको बताए थे कि बचपन में खेलने के लिए सचिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी, ये देखोगे कौन से नाटक लिखे थे, ब्रजभाषा, बरद सभा, इंद्र सभा, जन सभा, तो ये लिखे थे इंद्र सभा नामक नाटक, और 8 का आंसर आपका होगा सी नंबर। 7 नंबर का प्रश्न है, 9 नंबर का, रोज शीर्षक कहानी में मालती मिट्टी का बर्तन गर्म पानी से क्यों धो रही है? रोज शीर्षक कहानी में देखोगे मालती जो है मिट्टी का बर्तन क्यों धो रही है, खाना रखने, खाना बनाने, पानी रखने या दही जमाने के लिए, तो ये देखोगे मिट्टी का जो बर्तन धो रही थी उसमें क्या करना था इनको, दही जमाना था, और आपका जवाब हो जाएंगे 9 का डी नंबर, दही जमाने के लिए। अब ये रहा आपका 10वां प्रश्न, मालती के बच्चे का नाम क्या था? हम आपको बताए थे कि बेचारा हमेशा रोते रहता था, टीटी हमेशा बजाता था, सीटी, सीटी मतलब ये हमेशा रोते रहता था, बीमार था, चिड़चिड़ा हो गया था, तो टीटी हो जाएंगे आपका जवाब इसमें, तो टीटी आपको कहाँ नजर आ रहा है, ऑप्शन नंबर ए में ही आपका जवाब हो जाएंगे, 10 का आंसर क्या हो जाएगा, टीटी हो जाएंगे। मालती के देखोगे पुत्र का क्या नाम, बच्चे का नाम टीटी। 11वां प्रश्न आपका है कि अज्ञे जी ने कितने वर्ष की अवस्था में कविता लिखना शुरू किए थे? इसको भी हम घेर दिए थे, लेकिन ऑप्शन यहाँ आपको मिस है, तो चलिए हम ऑप्शन को लिख देते हैं, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी। अब आप बताइएगा यहाँ पे आपका जवाब क्या होंगे, ठीक है। अज्ञे जी कितने वर्ष की अवस्था में कविता लिखना शुरू किए थे? और ये मिट गया, हम सेलेक्ट किए थे आपके लिए ऑप्शन, यहाँ लिखे थे ए बी सी डी, और मैं आपको बता दूं 10 वर्ष की उम्र में ही देखोगे ये कविता लिखना क्या कर दिए थे, शुरू कर दिए थे। अब आगे का प्रश्न लेते हैं आपका, 11 नंबर का प्रश्न हो चुका है, 12 नंबर में इंद्र सभा क्या है? अभी आपको बताए थे कि इंद्र सभा क्या है, तो इंद्र सभा एक नाटक है जो देखोगे अज्ञे जी अपने बचपन में खेलने के लिए यह नाटक लिखे थे, तो इंद्र सभा है नाटक, नाटक नहीं लिखा है पूरा पूरा, तो चलिए यहाँ पे हम कर देते हैं पूरा, तो आपका डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, इंद्र सभा क्या है, इंद्र सभा है नाटक। ये प्रश्न आपका एकदम क्लियर हो गया। अब आपका आगे का प्रश्न ले लेते हैं, प्रश्न रहा 13 नंबर में, ये महेश्वर पेशे से क्या थे, डॉक्टर, किसान, लेखक या सरकारी अधिकारी? तो महेश्वर देखोगे मालती के पति कौन थे, महेश्वर, और ये क्या थे, ये देखोगे डॉक्टर थे, और आपका जवाब हो जाएंगे 13 का ए नंबर, क्या हो जाएंगे, डॉक्टर हो जाएंगे, ठीक है। आगे का प्रश्न आपका ये रहा, रोज शीर्षक किस शीर्षक का बदला हुआ रूप है? ये लेखक परिचय में ये हम आपको बताए थे कि रोज शीर्षक कहानी जो है या किसका, गैंग्रीन का, मालती का, गोरा का या यात्रा का, तो गैंग्रीन नामक देखोगे कहानी का पहला शीर्षक इसी नाम से था, गैंग्रीन नाम से, बाद में इसको बदल करके क्या कर दिया गया लेखक के द्वारा, रोज कर दिया गया। अब ये रहा आपका 15 नंबर में प्रश्न, रोज कहानी में किस बीमारी को बताया गया है? रोज कहानी में देखोगे मालती के पति जो महेश्वर हैं वह किस बीमारी का इलाज करें, तो हम आपको बताए थे किस बीमारी का वो इलाज करें, तो गैंग्रीन नामक बीमारी का, तो गैंग्रीन यहाँ पे है,
गैंग्रीन यहाँ पर देखोगे। अब आगे देखिए यहाँ पे, ये रहा आपका मालती ने किताब का क्या किया था, मालती किताब को क्या किया था जब उनके पिताजी वर्क दिए थे, तो हम आपको बताए थे कि मालती जो है किताब को फाड़ के फेंक दी थी, किताब का पेज को फाड़ दी थी, और जवाब आपका हो जाएगा फाड़ दिया। अब ये रहा आपका 17 नंबर का प्रश्न, बचपन में मालती का स्वभाव कैसा था, बचपन में मालती किस तरह की थी, शांत, उद्दत और चंचल, उग्र और चंचल, सिर्फ चंचल। तो वो उद्दत और चंचल थी, मतलब खूब बोलती थी और तेज भी थी, तो आपका जवाब हो जाएगा 17 में उद्दत और चंचल थी। उग्र नहीं लिखना है, उग्र मतलब होते हैं गुस्सा में, उद्दत मतलब देखोगे जो खूब बोलने में भी तेज है। अब यह आपका रहा 18 नंबर में ऑब्जेक्टिव प्रश्न, और ऑब्जेक्टिव का ये लास्ट ही होगा, मालती के घर लेखक कैसे आए थे, बैलगाड़ी से, पैदल, घोड़ा गाड़ी से या रेलगाड़ी से। मालती जो, मालती के घर देखोगे लेखक किस तरह से आए थे, तो मालती के घर लेखक आए थे पैदल। कैसे आए थे आपको याद रखना है, मालती के घर लेखक आए थे पैदल, ठीक है। तो ये आपका क्या रहा, लास्ट प्रश्न रहा, और आप सभी स्टूडेंट को मैं बता दूं कि आज का जो ये वीडियो है आप सभी स्टूडेंट को बहुत ही अच्छा लगा होगा, ठीक है। लास्ट प्रश्न आपका यही था कि वो पैदल आए थे। तो आज का वीडियो आप लोग के लिए कैसा रहा ये आप सभी स्टूडेंट कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि आप सभी स्टूडेंट का पॉजिटिव कमेंट एक पॉजिटिव एनर्जी हमें देते हैं। तो आप सभी स्टूडेंट अब हमसे मिलिएगा अगले वीडियो में, और मैं आपसे एक बार ये कहना चाहूँगा कि आप सभी स्टूडेंट जो भी इस प्लेटफॉर्म पर, जो भी इस YouTube चैनल पे इस वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और योद्धा एकेडमी चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, चाहे वो साइंस के स्टूडेंट हो या आर्ट्स के स्टूडेंट हो। साइंस के जो भी स्टूडेंट है उसको प्रॉपर इस चैनल पे ही, जिस चैनल पे आप इस वीडियो को देख रहे हैं यहाँ आपको वीडियो मिल जाएगा, और आर्ट्स के हमारे जो भी स्टूडेंट हैं वो योद्धा एकेडमी आर्ट्स को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश, हिंदी वो भी वीडियो आपको वहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए, आपसे उम्मीद है कि आप में से जो भी नए स्टूडेंट होंगे वो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। आप सभी स्टूडेंट से अब मिलेंगे अगले वीडियो में अगले दिन, तब तक के लिए आप सभी स्टूडेंट को जय हिंद, जय भारत।